ओम शांति। हो सकता है आपका भी यह क्वेश्चन हो कि जब हम राजयोग योग कमेंट्री या कोई भी योग कमेंट्री सुनते हैं, चाहे वो कोई भी योग हो, तो उसमें आपने देखा होगा योग कमेंट्री के बीच बीच में जो म्यूजिक डालते हैं, तो वो म्यूजिक थोड़ा लंबा डाला करते हैं और उसमें जो मुंह के बोल होते हैं वह कम होते हैं। तो उस रीजन से भी कई लोग, कई मनुष्य आत्माएं, कई भाई बहन जो है इरिटेट या खुद थोड़ा अनकंफर्ट जैसा फील करते होंगे। यह नहीं कि सभी के साथ ऐसा होता होगा, किसी किसी के मन में ये जरूर क्वेश्चन आता होगा कि इसमें बोलने का तो कम है लेकिन इसमें म्यूजिक आता है, तो उसकी वजह से भी बीच में ही रोक देते हैं, वो पूरा नहीं सुनते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी उसका एक कारण है। देखिए, यह कोई यो जो योग है जिसमें हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, हम आत्मा उस परमात्मा के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, तो वो कनेक्शन जो है आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई मंत्र रटते हैं तो मंत्र को हम कंठस्थ कर लेते हैं और सिर्फ उसे या तो कहीं लिख करके रख लेते हैं और उसके उसको रिपीट करते हैं। लेकिन योग में ऐसा नहीं है। योग में जो हमें करना होता है वह एक्चुअल में यह है कि जो हम सुनते हैं, जो योग कमेंट्री में आप सुनते हैं या योग आप खुद भी लगाते हैं, तो यूं नहीं कि हम किसी बात को सिर्फ और सिर्फ बार बार रिपीट करें, नहीं, रिपीट नहीं करना है उसमें। एक्चुअल में आपको उन जो बातें योग कमेंट्री में कही जाती हैं, जो भी आप सुनते हैं, जो आप बार बार रिपीटेशन करते हैं, उन्हें सुनने की बजाय सबसे पहले आपको उसे एक्सेप्ट करना है और अनुभव करना है, उसे आपको अपने में धारण करना है। धारण करके उन शब्दों को सिर्फ सुनना या लिख करके नहीं रखना, उसे आपको एक्सेप्ट करते हुए वैसा आपको स्वरूप बनाना है अपना। मान लीजिए मैं आत्मा हूँ, तो सिर्फ आपको ये मैं आत्मा हूँ कहना नहीं है, आपको उसे अनुभव करते हुए वैसा आपको स्वरूप बनना है, शरीर से खुद को न्यारा समझना है। मान लीजिए आपने परमात्मा को याद किया, तो परमात्मा सिर्फ कहना नहीं है, बाबा शब्द कहना नहीं है, बाबा माना वो सुप्रीम सोल लाइट बिंदु स्वरूप निराकार शिव परमात्मा को आपको चित्र बना लेना है, आपने उनको अनुभव कर लेना है, उस परमात्मा के पास आपकी बुद्धि चली जाना है। तो क्या होता है जब ये योग कमेंट्री आदि चलती है, तो बीच में जो म्यूजिक डालते हैं उसको आपको ब्रेक दिया जाता है, ताकि जो सामने वाले भाई बहन ने जो भी रिपीट किया है उस रिपीटेशन को आप अनुभव करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, अंदर में उसे धारण करते हुए उसका स्वरूप बनकर वैसा आप महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा के संतान हूँ, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ सिर्फ आपको उसे कहना नहीं है, वैसा आपको अनुभव करना है कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। सिर्फ अगले ही पल आपको ऐसा नहीं समझना है कि भाग्य तो है नहीं, शाली खुद को कह रहे हैं, तो आप भाग्य विधाता के संतान हैं, उसे आपको अनुभव करना है। इसीलिए वो योग कमेंट्री के बीच बीच में उतना डिस्टेंस देते हैं और उस म्यूजिक को डालते हैं, ताकि आप उसे अनुभव करते हुए, उसका स्वरूप बनते हुए धारण करते जाएं। यह एक कारण है उसके पीछे का। तो आप उसे पूरा सुनिए, सिर्फ उसे रटना या सुनना नहीं है, रिपीट नहीं करना है, बल्कि आपको उसे अपने में धारण कर स्वरूप बनकर
आपको वो अष्ट शक्तियां हैं, जैसा जो भी योग कॉमेंट्री में चलता है वैसे आपको अनुभव करते हुए आपके ऐसा शक्तिशाली आपको खुद अंदर में अनुभव करना है कि मैं हूँ परमात्मा की संतान, और रियलिटी को आपको अंदर में धारण करना है। तो यह कारण है योग कॉमेंट्री के बीच में जो भी उसे डाला जाता है, इससे कारण से डाला जाता है। ओम शांति।